हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ क्विक रिवीजन का वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला ही है और अभी मैं क्विक रिवीजन कर रही हूँ। जितना भी मैं पढ़ रही हूँ उसी को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जिन लोग मेरे तरह हाउसवाइफ है, जिन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, जितना भी पढ़े आप उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो सके। जो भी आप लिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में वो अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से आप अगर थोड़ा सा भी रिवाइज किए होंगे तो। नहीं तो आप जब पढ़े होंगे तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और हम लोग तो फैमिली के अंदर रहते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत सारा काम रहता है और हर टाइम तो हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करें, ध्यान लगा के पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि जब भी आप लोगों का एम है आप लोग भी अपना पूरा कर सके। तो मैं अपना एम की तरह बढ़ रही हूँ, देखती हूँ कब मेरा एम पूरा होगा, तो आशा करती हूँ जल्दी ही पूरा होगा। तो मुझे भी हर हाउसवाइफ की तरह बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मेरे लाइफ में मैं बहुत संघर्ष करती हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, और फिर भी जितना मेरे पास टाइम बचता है मैं अपने पढ़ाई में देती हूँ और फिर आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हर हाउसवाइफ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप भी, जिन लोग भी मेरे द्वारा हर हाउसवाइफ है, जिन लोग सोचते हैं हमारे छोटे बच्चे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोग बिल्कुल भी ऐसे सोच मत सोचिए। आप हर टाइम पॉजिटिव ही सोचिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। तो आपका जो फ्यूचर है आपको बुला रहा आगे में, आप भी कुछ करके दिखा सकते हैं। तो बस ये आज का मेरा संदेश था। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।